बौद्धिक दिव्यांगजनों के स्पेशल ओलंपिक्स हेतु स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिन्हांकन शिविर का आयोजन गुरुवार को अभय प्रसाद में किया गया, जिसमें बच्चों ने स्टैंडिंग जॉगिंग की, तो वहीं आयोजन में शामिल हुए बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम के तहत इंदौर के भी 50 बौद्धिक दिव्यांगों ने एक साथ जॉगिंग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में बौद्धिक दिव्यांगजनों के स्पेशल ओलंपिक हेतु स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसके तहत इंदौर के अभय प्रसाद में हुए आयोजन में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंत्री प्रेम पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित कलेक्टर मनीष सिंह उपस्थित रहे। एक्सटेंशन व्यू। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कमल पटेल ने बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही, साथ ही इंदौर शहर में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम बनाने पर जोर दिया। वहीं मंत्री प्रेम पटेल ने इन बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि उनको संबल दें, और इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे परिवार के अंदर एक व्यक्ति होता है कमजोर, बच्चा हो जाता है कोई शारीरिक रूप से, तो घर वाले पूरे परिवार में भले 50 लोग भी हैं तो वो सबके सब उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, गोदी में उठाते हैं, भोजन मिठाई बनती सबसे पहले उसको खिलाते हैं कपड़ा। इसी प्रकार ये समाज के जो वंचित पिछड़े हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, इनके उत्थान के लिए, ताकि इनके जीवन में भी आनंद आए, ये भी स्वावलंबी बने और उत्साह उमंग के साथ अपना जीवन यापन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सके, इसके लिए सरकार, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही है। ये स्पेशल ओलंपिक जिसकी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मल्लिका बनर्जी हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं इस संस्था से कई सालों से जुड़ा हूँ, और 2007 में जब मैं राजस्व मंत्री था, 2008 में स्पेशल ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उसके एक साल पहले स्पेशल ओलंपिक होता, मैं बच्चों को और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको साथ हौसला अफजाई करने के लिए बीजिंग गया था, और वहाँ हमारे बच्चों ने दुनिया के सामने अच्छा खेल प्रदर्शन करके मेडल लेकर आए, जिससे उनके जीवन में भी गुस्सा आए। इसी प्रकार का ये स्पेशल ओलंपिक आज के दिन पूरे भारत में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम हो, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, और ये अच्छा कार्य, सेवा का कार्य है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इनका जीवन सुखमय हो, ये अच्छे से अपने पैर पर खड़े हों, इनकी पढ़ाई, इनका स्वास्थ्य परीक्षण, इनके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है तो उसको दूर करना, और एक सामान्य नागरिक जैसे सुविधाएं उनको यूसी योग्य बनाने का काम सरकार का। अभी हमारे कलेक्टर मनीष सिंह ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ये मांग रखी थी कि इंदौर में इन बच्चों के लिए, जैसे बाकी बच्चों के लिए स्टेडियम है, इनके अलग से एक इंडोर स्टेडियम हो और बाकी इनको खेल के लिए अच्छे अवसर दिए जाएँ, तो उसके लिए हम दोनों मंत्रियों ने घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, हम इंदौर में इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ इंडोर स्टेडियम और खेल सुविधाएँ, सारी सुविधाएँ जो इनको चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है। इनमें जो कमियाँ हैं लेकिन जो प्रतिभाएँ हैं उनका विकास होकर, उन प्रतिभाओं को निखार कर, और वो भी जीवन में आनंदित रहें, वो भी उनका भी जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, और ये खुश रहेंगे तो हम सब खुश रहेंगे। किसानों के पौधे के विकास के लिए और उनके ओलंपिक के लिए कितने प्रयास किए जाएंगे? देखो, हम सब मिलकर आगे बढ़ाने के लिए सरकार से जो भी सहयोग होगा वो हम सहयोग करेंगे, और मध्य प्रदेश देश में हमारा बच्चों का नाम रोशन होगा। किस तरह की योजना है आपने बनाई, आपका विभाग है? देखो, हम जो मांगेंगे जिस प्रकार से बच्चों को ले जाने के लिए व्यवस्था होगी वो व्यवस्था पूरी करेंगे। कोई योजना बनाई है आप? देखो, योजना बनी जब ही, तो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, नहीं, इनको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोगों ने इनको आगे बढ़ाने के लिए सब योजना बनाई है, क्योंकि आज ही योजना बना रही ऐसी बात नहीं है, पहले भी इन लोगों ने बच्चों को विदेश में ले जाकर एक भारत का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में शामिल हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने भी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए खेल स्टेडियम बनाने को लेकर जमीन तलाशने और उसके कार्य योजना तैयार करने की बात कही। आज स्पेशल ओलंपिक के तहत जो बौद्धिक दिव्यांग श्रेणी के, जो बौद्धिक श्रेणी के दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका एक स्पेशल ओलंपिक इस समय देश के 75 शहरों में चल रहा है। इंदौर में बड़े अच्छे भव्य स्वरूप में हुआ है ये। सभी जिले के बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हम लोगों ने बुलाया था इसमें,
इसमें 10 प्रमुख एनजीओ थे हमारे, जिन्होंने बहुत की रोल प्ले किया। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर, और कई उन बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया है, उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया है, उनको जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि कोविड के 2 साल के पीरियड के बाद जो एक मेंटल वीकनेस अच्छे अच्छे सक्षम लोगों में आ गई थी, अब उस कारण से कोविड की वजह से इन बौद्धिक रूप से अविकसित बच्चों या कमज़ोर बच्चों को भी इस तरह का डिप्रेसिव एटीट्यूड रहा है। तो इस स्पेशल ओलंपिक के माध्यम से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई उनकी। आज 11 बजे से लेकर 1 मिनट 14 सेकंड तक बच्चों ने स्टैंडिंग डांस किया, उसमें रिकॉर्ड कायम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और इसी के साथ साथ जो अन्य इनकी जो शारीरिक क्षमता और मेंटल क्षमता को जो प्रदर्शित करने से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगी, सुबह भी हुई हैं, अभी भी होंगी। बच्चों के आने जाने की पूरी व्यवस्था की गई थी, और आज ये भी एक आइडिया आया है, आज एक तरह से एक बिंदु रखा गया है माननीय मंत्री जनों के समक्ष जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, कि एक इन बच्चों का एक कोई जगह हम लोग सरकारी चयनित कर दें और निराश्रित निधि से कुछ राशि मिल जाए, तो 3-4 करोड़ में अच्छा छोटा सा स्टेडियम डेवलप हो सकता है, जिसमें कि निरंतर ऐसे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल सकती हैं। तो इन सब को लेकर अब DPR हम लोग बनाएंगे, फिर माननीय जब मुख्यमंत्री जी पधारेंगे तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तृत चर्चा करके जो आइडियाज़ होंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को कि इस प्रकार के बौद्धिक अविकसित बच्चों के या कमज़ोर बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया है, और जो सामूहिक रूप से जो यहाँ पर खेल हुए हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सब चीज़ें अगर बच्चों के लिए निरंतर चलती रहेंगी, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो ये अविकसित बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, ये नॉर्मल लाइफ में आ सकेंगे, सामान्य जीवन जी सकेंगे, और एक अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को, किसी पे बोझ न रह के कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी को देंगे, और कहीं ना कहीं ये देश के विकास में सहयोग देंगे। अभय प्रशाल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी नजर आया।